हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल एडियो गुरु मंत्रा पर। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स में से एक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। पहले मैं आपको यहाँ तक का मतलब समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल की तीन साइड होती है, ए बी, बी सी और ए सी। इसमें हमने अगर एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू बी सी, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल की साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इस लाइन का नाम दे देते हैं डी ई। ये क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि जो दो साइड्स बची हुई हैं ए बी और ए सी, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे को, गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी वेयर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। मैंने आपको बताया ना कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू बी सी, तो ये जो लाइन थी डी ई, इसने जो बाकी दो साइड्स हैं ट्राइंगल की उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है हमको क्या प्रूफ करना है कि जो दो साइड्स का रेशियो है यानी कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, इसको इक्वल प्रूफ करना है दूसरी साइड के रेशियो के, ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। ये हमको करना है प्रूफ। तो हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी हमको, वो मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके बता देता हूँ। देखो एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो भी अभी आपको समझाऊंगा क्यों करनी पड़ेगी, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से बनाई जाती है, इसलिए इसको हम थोड़ा डॉटेड से बना देते हैं। ऐसे ही एक कंस्ट्रक्शन हमको यहाँ से भी करनी होगी, ई से, ई से भी हमें एक परपेंडिकुलर डालना होगा, यानी कि मैंने दोनों डी और ई दोनों पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल लिया, इसको भी डॉटेड बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ एन और इसको नाम दे देता हूँ एम। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, मैंने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर ऑन एबी, ठीक है। और साथ ही साथ हमको एक कंस्ट्रक्शन और करनी है, ये हम ज्वाइन कर लेते हैं ई को बी से और सी को डी से। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लें, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि हमने ये कंस्ट्रक्शन क्यों की है, क्योंकि जब तक आपको ये ही नहीं पता कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी क्यों है, तो हमें इस इम्पॉसिबल है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम कंस्ट्रक्शन कर क्यों रहे हैं, ठीक है। जब तक आपको यही नहीं पता क्यों क्यों कर रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगा। चलो अब देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे को प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी प्रूफ करना है। तो ए डी अपॉन डी बी ये कैसे आ सकता है, ये कैसे आ सकता है ए डी अपॉन डी बी, हमें ये सोचना है। तो ए डी मैं ला सकता हूँ अगर मैं ट्राइंगल ए डी ई का एरिया निकाल लूँ, क्योंकि ट्राइंगल ए डी ई का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें बेस मैं ए डी ले लूंगा, तो यहीं से ए डी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरे को ए डी को फाइंड करने के लिए ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई ट्राइंगल में एरिया की बात करें, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है यहाँ पर, ए डी, और हाइट हमेशा ध्यान रखना जो हम बेस लेते हैं उसी के ऊपर हाइट होती है, यानी कि अगर मैं बेस ए डी ले रहा हूँ तो यही वाली इसी के ऊपर जो हाइट आ रही होगी वो हाइट मानी जाएगी, ठीक है। तो चलिए हाइट हो गई ई एन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल बी डी ई, अब मैं बी डी ई की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे डी बी आ रहा है, तो डी बी मैं यहीं से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो इस ट्राइंगल में मेरे को बेसिकली लाना क्या है, डी बी लाना है। तो हाफ बेस, बेस मैं डी बी को ही ले लेता हूँ, ठीक है, हाफ डी बी इंटू। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को यहीं पर होती है कि इस बेस के साथ हाइट कौन सी लेंगे, तो हमें हाइट नजर नहीं आ रही, हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर तो आगे ड्रॉप किया था मैंने इसी लाइन पर, देखो आगे कहाँ पर है परपेंडिकुलर, ये ही परपेंडिकुलर यहाँ पर भी है, ई एन ही ऊपर था और ई एन ही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं हाफ डी बी इंटू ई एन। अब अगर एक बात देखूं मैं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ से ए डी अपॉन डी बी मिल जाएगा। यही मेरे को प्रूफ में लाना था, आप देख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी, ये मेरे को प्रूफ में लाना था। तो क्यों ना मैं इसको डिवाइड कर लूँ, मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को भी और सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, लिखो यहाँ पर डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ डी बी इंटू ई एन। अब देख सकते हैं हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, कि मैंने क्या प्रूफ कर लिया है, मैंने प्रूफ कर लिया एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ये मैंने कर लिया प्रूफ, ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर थ्री। देखो यहां से मुझे एक चीज मिल गई है कि ए डी अपॉन डी बी में आ गया मेरा। अब मेरे को ए ई अपॉन ई सी लाना है, तो सेम काम हम अब हम इस ट्राइंगल से करेंगे, फिर से यहाँ पर ए ई को बेस मानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं मेरे को ए ई अपॉन ई सी लाना है इस तरफ से, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ए डी ई, फिर से ए डी ई ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है इस बार बेस को ए डी नहीं लेंगे, इस बार बेस को ए ई लेंगे, क्योंकि इस बार मुझे ए ई लाना है। ठीक है, तो ए ई और ए ई पर परपेंडिकुलर कितना है डीएम। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो यहां से ए ई आ जाएगा और ई सी लाना है अपॉन में, तो ई सी लाने के लिए हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी लेंगे, यानी कि हाफ ई सी इंटू, अब बेस क्या लेंगे ई सी, और इसी बेस पर हाइट कौन सी है, ये इसको आगे बढ़ाओ तो डीएम इसकी हाइट है। ठीक है, तो इसी बेस पर हाइट है हमारी डीएम, फिर से देखो डीएम और हाफ कट जाएगा, यहाँ पर डीएम आ रहा है, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लो और इसको इक्वेशन फिफ्थ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन फोर बाय फाइव, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ ई सी इंटू डी एम। अब देखिए डीएम और डीएम कैंसिल हो गया और हाफ भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, यहाँ से आ गया मेरे पास सिक्स्थ इक्वेशन। अब आप देख सकते हो मैंने जो थर्ड इक्वेशन प्रूफ करी थी वहां से ए डी अपॉन डी बी आ गया, और जो भी प्रूफ करा उसमें ए ई अपॉन ई सी आ गया। ठीक है, हमें यही तो लाना था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही लाना था हमको, और यहाँ पर ये आ सकता है इक्वल अगर हम एरिया इक्वल कर दें, अगर हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दें तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो देखिए जरा एक बात कि एरिया ऑफ ए डी ई और यहाँ पर भी एरिया ऑफ ए डी ई, और ये तो ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें इक्वल करना क्या है, बेसिकली हमको इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को इक्वल करना है। अगर ऐसा हो गया यानी कि ये पूरा और ये पूरा इक्वल हो जाएगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात देखता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है बी डी ई और जो ट्राइंगल है डी ई सी, ये दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस पर हैं डी ई पर। ठीक है, सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था अगर कोई दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, तो यहाँ से बी डी ई और डी ई सी इक्वल आ जाएगा। तो लिख लेते हैं इस बात को और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वी सी दैट ट्राइंगल्स बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन
सेम पैरेलल लाइंस, सो देयर एरियाज आर इक्वल। ओके, तो इनके एरिया क्या हो जाएंगे, एरियाज आर इक्वल, और इनके एरियाज इक्वल हो जाएंगे तो मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अब देखो जब एरिया भी इक्वल हो गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड उन दोनों की इक्वल हो गई, सो बाय इक्वेशन 3, 6 and 7 वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं फिगर में, देखो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 देखो ए डी अपॉन डी बी, और 6 देखो ए ई अपॉन ई सी, तो ए डी अपॉन डी बी यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया हमारा प्रूफ।